हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल 2022 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर 1 मई को दोपहर के 3:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो माई टीम 11 को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फैंटेसी प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे आपको आईपीएल के सभी मुकाबलों के अंदर करोड़ों की कमाई करने का मौका मिलेगा। अगर आप इनका लीडर बोर्ड ज्वाइन करते हो, आप 1 करोड़ से ज्यादा की एक्स्ट्रा इनकम कर पाओगे माई टीम 11 पर। और यहां पे आपको सेकंड इनिंग्स फैंटेसी और लाइव फैंटेसी ऐसे बहुत ही कमाल की फीचर भी खेलने के लिए मिलने वाले हैं। इस ऐप को एंडोर्स करते वीरेंद्र सहवाग, यानी आपको ना डिपॉजिट में दिक्कत आएगी ना विड्रॉल में दिक्कत आएगी। कस्टमर सपोर्ट भी काफी शानदार है। और अगर आप इनका गोल्डन टिकट बाय करोगे ना, आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं पूरे सीजन के अंदर। और जितने कैशबैक माई टीम 11 पे मिलते हैं ना, उतने आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। तो किस बात का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करो, इससे आपको 100 रुपए एकदम फ्री मिलने वाले हैं। तो डाउनलोड करो माई टीम 11 को और आईपीएल में कमाई करनी चालू कर दो। और फैंटेसी टीमों के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, वहां पे आपको आईपीएल के सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीमें मिलने वाली है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो काफ़ी अच्छी पिच होने वाली है ये बल्लेबाजी करने के लिए। मैदान भी काफ़ी छोटा है और दोनों टीम के बल्लेबाज एंजॉय करने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, जो कि अपने 8 में से 4 मुकाबले जीत चुकी है और अब टीम ना अपने विनिंग मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहेगी। इस टीम के दोनों ओपनर्स बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं इस टीम के लिए। पृथ्वी शॉ और डेविड वॉर्नर का फॉर्म वापस से इस मुकाबले के अंदर एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है। ऋषभ पंत पता नहीं इतनी 4 या 5 पे बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं, उनका नंबर 4 से नीचे नहीं खेलना चाहिए। ऋषभ पंत एक बहुत ही बड़े प्लेयर है इस टीम के अंदर, लेकिन बाकी जो बल्लेबाज है ना उतने कंसिस्टेंट रहे नहीं है। रोमन पावल ने पिछले 2 मुकाबलों के अंदर काफी तगड़ी हिटिंग करी, वापस से नंबर 6 के ऊपर खेलते हुए एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। मिचेल मार्श, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, इन 4 प्लेयर्स के ऊपर भी ना दिल्ली की बल्लेबाजी रिलाय करती है। लोअर ऑर्डर के अंदर शार्दुल ठाकुर ने भी कुछ काफी डिसेंट पारियां खेली है। ललित यादव और मिचेल मार्श, इनको भी ऊपर कुछ कमाल पारी खेलनी पड़ेगी अगर दिल्ली की टीम को मुकाबले जीतने हैं। तो बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो कुलदीप यादव की गेंदबाजी काफी शानदार रही। ये देखने वाली बात है, दिल्ली ने जो अब तक 4 मुकाबले जीते हैं ना, चारों बार कुलदीप यादव उनके मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो यानी कुलदीप यादव जब अच्छी गेंदबाजी करते हैं तब दिल्ली जीतती है। और मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी भी काफी शानदार थी पिछले मुकाबले में। तो दिल्ली की टीम के पास कुछ काफी कमाल प्लेयर्स हैं, बस टीम को फॉर्म को कंटिन्यू करना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर भी। खासकर बैटिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है दिल्ली की। अगर मैं बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो दिल्ली के लिए ओपन कर सकते हैं डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, नंबर 3 के ऊपर मिचेल मार्श, नंबर 4 पर ऋषभ पंत, नंबर 5 पे ललित यादव, नंबर 6 के ऊपर रोमन पावल, नंबर 7 पे अक्षर पटेल, फिर शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, चेतन साकरिया, मुस्तफिजुर रहमान। तो जरूर से एक बड़ा मुकाबला दिल्ली के लिए और टीम इस मुकाबले के अंदर भी जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, जो कि अपने 9 में से 6 मुकाबले जीत चुकी है और पिछले 2 मुकाबलों के अंदर टीम को काफी अच्छी जीत मिली, जहां टीम के गेंदबाजों ने काफी शानदार काम किया है। मोहसिन अली, आवेश खान, दुष्मंत चमीरा, जेसन होल्डर, रवि बिश्नोई, इतने सारे गेंदबाजी ऑप्शन है लखनऊ के पास में कि इस टीम की गेंदबाजी ना ऑलमोस्ट हर मुकाबले के अंदर काफी कमाल खेल रही है। खासकर जिस तरीके से कृणाल पंड्या ने गेंदबाजी करी ना इस टीम के लिए, बहुत ही कमाल की बात है। इकोनॉमिकल भी रहते हैं, विकेट भी निकालते हैं और दुष्मंत चमीरा ने भी कुछ काफी शानदार स्पेल डाले हैं, वो भी उन फॉर्म को इस मुकाबले के अंदर ना कंटिन्यू करना चाहेंगे। हालांकि बल्लेबाजी उतनी कंसिस्टेंट रही नहीं है, केएल राहुल ने सर काफी डिसेंट बल्लेबाजी करी, कप्तान है वो इस टीम के, कंटिन्यू करना चाहेंगे। और क्विंटन डीकॉक ने भी पिछले मुकाबले के अंदर टीम की पारी को संभाला था, लेकिन इनके अलावा ऐसी कोई बड़ी पारी आ नहीं पारी। हालांकि दीपक हुड्डा, आयुष बादोनी, मार्कस टोनिस, ये सब काफी कमाल के बल्लेबाज हैं और अकेले दम पे मैच पलट सकते हैं।
है। अगर मैं बात करता हूँ प्लेइंग 11 के बारे में तो मेरे को ऐसा लग रहा था पिछले मुकाबले में कि टीम की बैटिंग काफी छोटी हो चुकी है, गेंदबाजी में तो 7 या 8 ऑप्शन है टीम के पास, तो मुझे लग रहा था टीम कोई बल्लेबाज को ऐड कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले मुकाबले में मोहसिन खान ने गेंदबाजी करी ना, मेरे को लगता नहीं लखनऊ इस मुकाबले के अंदर कोई बदलाव करेगी। तो लखनऊ के लिए ओपन कर सकते हैं केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक, नंबर 3 पे दीपक हुड्डा, नंबर 4 पे मार्कस स्टॉइनिस, नंबर 5 पे कृणाल पांड्या, नंबर 6 पे आयुष बादोनी, नंबर 7 पे जेसन होल्डर, फिर आवेश खान, मोहसिन खान, दुष्मंत चमीरा और रवि बिश्नोई। तो जरूर से एक डिसेंट टीम है लखनऊ के पास भी और ये टीम ये मुकाबला जीतना चाहेगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी दिल्ली कैपिटल्स, वो टीम होगी लखनऊ सुपर जायंट्स, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीमें आने वाली है कुछ इनके ऊपर। तो मुझे लगता है मुकाबला काफी इक्वल का होगा और पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिलेगी इस मुकाबले में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।